सो आ गए, चलो अच्छा है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि यदि पेट्रोल की गाड़ी में यदि डीजल को डाल दिया जाता है तब क्या होगा, उस वीडियो को देखना चाहते हो तो देख सकते हो, मैंने उसका थंबनेल दिखा दिया है। ठीक है, अब बात करते हैं कि यदि डीजल की गाड़ी में यदि पेट्रोल को डाल दिया जाए तब क्या होगा, इसके बारे में मैं बताता हूँ। देखिए, जो इंजन बने होते हैं वो पेट्रोल के लिए अलग होता है और डीजल के लिए अलग होता है। ठीक है, डीजल के लिए जो इंजन होता है वो हाई पावर का होता है, उसमें जो दबाव बनता है वो ज़्यादा बनता है, और जो पेट्रोल होता है उसके लिए दबाव कम की आवश्यकता पड़ती है इसमें, इसलिए उसका जो इंजन होता है कम पावर का होता है। अब देखिए, डीजल वाले में यदि पेट्रोल को डाल दिया जाता है तब क्या होगा। अब देखिए, डीजल वाला इंजन है तो उसमें पावर ज़्यादा है, ठीक है ना, ज़्यादा कंप्रेसर बनता है क्योंकि वो डीजल वाला है, इसलिए उसको ज़्यादा कंप्रेसर की आवश्यकता पड़ती है। अब यदि उस डीजल वाले इंजन में यदि पेट्रोल को डाल दिया जाएगा तो पेट्रोल देखो उसको वैसे ही कम कंप्रेसर की आवश्यकता पड़ती है, और उसको ज़्यादा कंप्रेसर वाले इंजन में और डाल दिया तो वो तो पेट्रोल तुरंत ही जल जाएगा, और तुरंत जलने के कारण वो जो इंजन होता है वो इंजन आवाज़ करना स्टार्ट कर देगा, और चूँकि जो पेट्रोल में जो चिपचिपापन होता है एक तरीके से वो डीजल की तुलना में कम होता है। पेट्रोल में चिपचिपापन कम है, इस वजह से जो इंजन के पुर्जे होते हैं उनमें अवरोध उत्पन्न हो सकता है, इसी कारण जो इंजन लीकेज भी कर सकता है, और लीकेज होने से इंजन में आग भी लग सकती है। अगर इसे हम यदि बार बार करते कि डीजल की जगह यदि पेट्रोल का उसमें यूज बार बार करते हैं तो एक समय ऐसा आएगा जब इंजन पूरी तरह से ख़राब हो जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी प्रकार के अननोन नॉलेज के साथ। टिल देन, गुड बाय एंड जय हिंद।